हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय माता दी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लॉन्गेस्ट लाइव शो करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए अंडर द थीम ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो मैं आ चुका हूं और मैं अपने शो में, जैसा कि बात करता हूं हर रोज अपने शो में टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन सब चीजों की, तो आज वही चीजें हम कवर कर रहे होंगे लेकिन सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। और मेरे साथ यहाँ पर एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, डॉक्टर इंद्रदीप सिंह ओबेरॉय, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एडी ग्लोबल साइनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड एंड ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया फरीदाबाद लोकल सेंटर। तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर इंद्रदीप सिंह ओबेरॉय का। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। And I would like to congratulate Mano Rachna Radio for taking up this initiative, जो ये initiative है sustainability का, और एक non-stop जो longest live radio show है। ये एक concept जो आप लोगों ने किया है, basically we talk sustainability every day in day out, but उसको एक physical shape देना and various possibilities को वर्कआउट करना इन वेरियस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान रखते हुए, आई थिंक यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो मच सर, हम ट्राई कर रहे हैं और आप जैसे एक्सपर्ट्स जब तक हमारे साथ मौजूद हैं, हमें उम्मीद है कि हम डेफिनेटली वो सब चीजें, वो तमाम वैल्यूज, वो तमाम मूल्य लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो सर के साथ हम बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग पर। अच्छा खासा एक्सपीरियंस ये होल्ड करते हैं, तो बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और जितनी भी चीजें हैं कोशिश करेंगे डीप डाइव करके हम सर से जान पाए। सर सबसे पहले मेरा जो सवाल रहेगा आपसे वो रहेगा, प्लीज इस कॉन्सेप्ट को बताइए जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है एंड क्यों ये इम्पोर्टेंट है एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले हमें ये इस बात में ये देखना है कि व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाई डू वी नीड एनर्जी। आज इंडिया का जो पर्पस है, वी आर गोइंग टू बी अ 5 trillion इकोनॉमी इन 2026-27। With that goal, we need enormous energy to sustain our construction activities, to sustain our economy, to sustain our businesses. हमें बहुत energy चाहिए, और उस energy को conserve करने के लिए most important is that हम जो हमारे पास infrastructure है, जो resources हैं, उनको ठीक तरह use करें। So जब आपने बात करी एक sustainable future के साथ एक energy requirement की, तो उस एनर्जी रिक्वायरमेंट में इम्पॉर्टेंट ये आता है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी जो आप बात कर रहे हैं उसकी बात करें। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? देखिए, जब कोई भी एनर्जी आप डिराइव करें फ्रॉम द सोर्स विच इज़ नॉन एग्जॉस्टिव, मतलब वो ख़त्म नहीं होगा, दूसरा उसको यूज़ करने में एनवायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और वो रिप्लेनिश हो रहा है, उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। दैट मींस कि जो फाइनाइट है, जो खत्म हो जाएगा, जो खत्म नहीं होगा वो नॉन रिन्यूएबल है, और जो खत्म होगा वो बेसिकली हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर काम करना है और नॉन रिन्यूएबल को खत्म करना है। जी बेसिकली इफेक्ट ये है। तो इसके अगर फ्यूचर की बात करूं, लाइक ये एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? देखिए क्या होता है कि आपके पास एक फाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे आप नॉर्मली हम कोल या दूसरी एनर्जीज लेते हैं, एक फाइनाइट सोर्स है, और हमारे एनवायरनमेंट में जब हम उस फाइनाइट सोर्स को यूज़ कर रहे हैं हम रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे, और हमारी डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, अगर हम उन रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर देंगे सो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। सो वी हैव टू गो इन फॉर अ ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज विच आर दीज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे सनलाइट, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो हमारी अर्थ के अंदर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी, वेव्स की टाइडल एनर्जी हो गई, उसके बाद आप बात करें तो इवन न्यूक्लियर एनर्जी को हम एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी मानते हैं। ये सोर्सेज जो है नॉन पोल्यूटिंग है, ये इसका जो आपके रिसोर्सेज के ऊपर, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो हम जब बात करते हैं एक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की, तो हम एक वर्ड आपने सुना होगा वो है कार्बन एमिशंस। जी बिल्कुल,
कार्बन एमिशंस क्या होता है कि कोई भी आप प्रोडक्ट या कोई एनर्जी कंसीव करते हैं, जब उसको प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें कितना कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, कितना एमिशन हो रहा है जो कि एटमॉस्फेयर में जा रहा है। जब हम क्लाइमेट कंट्रोल की आज बात हो रही है, COP26 मीटिंग्स हो रही हैं, पेरिस अकॉर्ड हो रहे हैं, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि ये जितनी भी हम एनर्जी को कंसीव कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल में, उसका यूजेज जो है वो आपकी कार्बन एमिशन नॉर्म्स को ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो हमें इवेंचुअली जब आप सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करें, तो फ्यूचर में इवेंचुअली ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि द बेसिक नीड इज यू हैव टू बी सस्टेनेबल, दैट यू हैव टू लीव द अर्थ एज इट इज विच यू हैड गॉट फ्रॉम योर फोर फादर्स। So that's important. So that's the premise when we have to go on for that. Definitely. तो ये इस तरीके से एक मैं कहूँगा sustainable future हम देख सकते हैं। हमें थोड़ा सा उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। And हर एक इंसान को अपने level पर इस एक चीज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि thought is required. उसके बाद वो action में जाके तब्दील होगा। तो सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से छेड़ा है, तो थोड़ा सा और हम छेड़ना चाहेंगे इसको। अब हम बात करेंगे, अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इनको आप कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से, तो किस तरीके से ये अलग होते हैं और क्या क्या हमें वो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। देखिए, फॉसिल फ्यूल्स जो है ना, दे आर ऑफन कॉल्ड डर्टी एनर्जी सोर्सेज। जी, डर्टी एनर्जी सोर्सेज इसलिए है क्योंकि उनको कंसीव करने, उनको पैदा करने में इतनी एनर्जी लगती है कि वो भरपाई नहीं होती उसकी दोबारा, एंड दिस इज इरिवर्सिबल। जो आप एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं उसको निकालने में, चाहे कोल आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल या डीजल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो एनर्जी आपने लगा दी और वो सोर्स ख़त्म हो गया, वो इरिवर्सिबल है। तो इसलिए इसको डर्टी एनर्जी सोर्स कहा जाता है, और मोर ओवर दिस इज फाइनाइट। जी, ख़त्म होने वाली है। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है इट्स अ फ्यूचर एनर्जी सोर्स, और उस एनर्जी सोर्स में ये है कि आपको उसको दो चीज़ों में बांटना पड़ेगा। एक तो ये क्लीन एनर्जी है। सबसे पहले क्लीन एनर्जी मतलब कि आपका एटमॉस्फेयर पे, आपके बायोडायवर्सिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ओके, सो आप जब विंड पावर यूज़ कर रहे हैं, तो विंड पावर क्या, हवा बह चल रही है, आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस कर दी। या उसी तरह आपका हाइड्रो पावर है, आपने डैम बनाया, पानी को रोका, उससे टर्बाइंस चलाई, या जियोथर्मल लिया, या इवन टाइडल इफेक्ट लिया, तो उसमें आपको एनर्जी जो आप लगा रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं वो आपको रिन्यू हो रही है, बार बार रिन्यू हो रही है। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इसमें 5-6 जो मेन आते हैं वो मैंने आपको बताया, जैसे सन का आ गया सोलर पावर, उसके बाद विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है। अब न्यूक्लियर एनर्जी कुछ लोग उसको रिन्यूएबल मानते हैं, बट देयर इज सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कि न्यूक्लियर जी है वो नॉन रिन्यूएबल है। उसका रीज़न ये है क्योंकि एक जो न्यूक्लियर एनर्जी बनती है वो यूरेनियम से बनती है, और यूरेनियम जो है फिशन, जब उसके फिशन एनर्जी किया जाता है, उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसमें यूरेनियम का मॉलिक्यूल तोड़ा जाता है, तोड़ते ही एनर्जी काफ़ी निकलती है, उस एनर्जी को हार्नेस किया जाता है, उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। तो एक थॉट प्रोसेस ये है कि आपने यूरेनियम को लिया और उसको तोड़ा, तो यूरेनियम खत्म हो गया। बिल्कुल, तो इसलिए वो रिन्यूएबल नहीं रहा। लेकिन देयर इज अ अबंडेंस ऑफ यूरेनियम ऑन अर्थ, तो इसलिए एक सेकंड थॉट ये आता है कि ये नॉन रिन्यूएबल भी है, तो इसलिए इसको अल्टरनेट फ्यूल एनर्जी कहा जाता है। इट इज नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन अल्टरनेटिव है। बाकी बेसिक रिन्यूएबल में जो 4-5 मैंने आपको बताया है, ये है। तो इसका आज इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे, जो सस्टेनेबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि हमने एक एनर्जी को बनाने में और उसको स्पेंड करने में और उसको रिक्रिएट करने में कितनी एनर्जी लगाई। तो जब हम उसको फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करते हैं तो इट इज़ वेरी मिनिस्क्यूल। तो उस मिनिस्क्यूल में आपको एक बेस्ट चांस मिल जाता है अपनी एनवायरनमेंट को बचाने का। So that is the reason why we can work on that. That means कि अगर हम यहाँ पे cost versus benefit की बात करें, तो fossils के case में हम ये देखते हैं कि cost ज़्यादा है, benefit कम है उससे। और इनके cases में जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर sustainable renewable energy की, तो इन cases में हम कहेंगे कि cost कम है, benefit ज़्यादा है। हाँ, अगर आप इसमें अगर initial cost ज़्यादा भी रहे तो return of investment बराबर है। तो आप अगर आज windmills लगाते हैं तो आपकी हो सकता है one time cost ज़्यादा हो,
लेकिन जो आपको रिकरिंग इफेक्ट दे रहा है वो आपका रिटर्न आरओआई जो है वो बहुत बचा देता है। सो उस वजह से या सोलर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, सोलर पार्क्स बन रहे हैं, तो सोलर पैनल्स लगेंगे, जगह लगेंगी, उसकी सारी ग्रिड लाइंस बिछेगी, उसमें सब मीटर्स लगेंगे, तो वो एक प्लांट कॉस्ट इनिशियल रहती है, लेकिन वो अपने आप ही कंपनसेट कर देगी विद इन द स्पैन ऑफ पीरियड, जो आप फॉसिल फ्यूल्स में उस केस में नहीं है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल में आपने आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब आप देखें ऑयल वेल्स जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में लगे हैं, तो उसमें ऑयल वेल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनकी ड्रिलिंग हो चुकी है, सो दे हैव रियली स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स स्टिल, एंड देन उसके बाद रिफाइनिंग होती है ऑयल की, उसकी क्रूड को ट्रांसपोर्टेशन होती है, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। जबकि आप अगर विंड एनर्जी डेवलप कर रहे हैं या सोलर कर रहे हैं, तो आपके घर पर ही पैदा हो रही है, आपको कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। एंड इंडिया, वी आर ब्लेस्ड टू हैव आवर कंट्री व्हिच हैज ऑल द सीजंस एंड वंडरफुल सनशाइन थ्रू आउट द ईयर, सो आई थिंक वी शुड यूज दैट। अगर इसकी मैं बात करूं सर, कॉस्ट सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल की भी, वो कीमत बहुत ज्यादा हम चुकाएंगे अगर फॉसिल्स की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इनिशियली आपने कहा था कि कार्बन एमिशन, तो फॉसिल के केस में वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और शायद जितने हम लोग ग्रस्त हैं, जितना हम लोग अगर बात करते हैं कि हमारी वायु जो है वो दूषित हो चुकी है, हमारे आसपास की चीजें दूषित हो चुकी है, तो उन सब केसेस में आप देखेंगे कि वो कॉस्ट है उस चीज की ना, जिसका बेनिफिट कम आ रहा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हमें चुकानी पड़ रही है। तो सर अब हम बात करेंगे उन तमाम चैलेंजेस और जो भी उनके पोटेंशियल सॉल्यूशंस है उनकी, अगर बात करते हैं इंटीग्रेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इनटू एग्जिस्टिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी हमारे पास यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसमें। बिल्कुल, ये चैलेंजेस हैं और मैं मानूंगा कि ये चैलेंजेस विद टाइम आयरन आउट हो रहे हैं। पहला चैलेंज जो सबसे बड़ा है कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर पा रहे हैं जितना हमें कन्वेंशनल सोर्सेज से मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी पूरा रिप्लेस करना इट्स फिजिकली नॉट पॉसिबल एंड वी हैव टू इनकर अ लॉट मच कॉस्ट। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू जनरेट द काइंड ऑफ क्वांटिटीज विच यू आर टॉकिंग अबाउट। दूसरा क्या है, जैसे हम विंड पावर या सोलर की बात करते हैं, थ्रू आउट द डे ये पैरामीटर चेंज होता रहता है, जैसे सूरज है वो दिन में निकलेगा और ड्यूरिंग द नून टाइम इट इज़ मैक्सिमम, और जैसे जैसे दिन ढलेगा आपका पावर कम होता जाएगा। सेम वे विंड है, जब ब्लो करेगी तो आपको जनरेशन मिलेगी, जब ब्लो नहीं करेगी तो जनरेशन वीक हो जाएगी। तो अब उस एनर्जी को जब आप मेन ग्रिड लाइन में इंटीग्रेट करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, क्यों, आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी मेन ग्रिड में आपसे सपोज थर्मल पावर प्लांट चल रहा है, अब थर्मल पावर प्लांट एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी लेके चल रहा है, ऑन द कॉन्ट्ररी आप साथ में आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को भी डाल देते हैं कि भी ठीक है हम रिन्यूएबल की भी डालते हैं, लेकिन उन दोनों को एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन करना सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि यहाँ तो आपका वोल्टेज डाउन हो रही है, अप हो रही है, क्योंकि आपके पास सोर्स लिमिटेड है, वहाँ पर आपका जनरेट, तो एक ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि दोनों इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा एक चैलेंज जो है वो ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का, जिसमें ग्रिड लाइंस चाहिए, आपको सिस्टम्स चाहिए, सब स्टेशंस चाहिए, वो सब एक चैलेंज है। लेकिन इसका मतलब, चैलेंज का मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है, हर एक का सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन जैसे हम बात करते हैं कि जनरेशन नहीं हो रही है, तो उसके लिए लार्ज बायो पार्क्स, जो सोलर पार्क्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, विंड एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि आज जो पावर हम थर्मल पावर यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट करीबन 7 से 8 रुपये पर यूनिट आती है जो हम लोग पे करते हैं, और सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट इस वक्त 2 रुपये पर किलोवाट पे मिलता है। तो इतना कॉस्ट डिफरेंशियल हमें सोलर में एडवांटेज मिल रहा है, सो वी आर एनीवे गोइंग वेरी नियर टू मिटिगेट द चैलेंज। दूसरा चैलेंज जो मैंने आपसे बात करी थी कि वेरिएबल डेवलपमेंट होती है, कभी कभी सूरज मिला नहीं और उतना नहीं मिला, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी ग्रिड के अंदर एक स्मार्ट ग्रिड बोलते हैं उसको जी। स्मार्ट ग्रिड का मतलब ये है कि वो आपकी जितनी जनरेशन है और कंजम्पशन है उसको मैनेज करेगा रियल टाइम में। जब वो मैनेज करेगा तो आपकी पूरी सिस्टम को वो मैनेज कर लेगा। तो ये स्मार्ट ग्रिड्स जो है ये अब डेवलप हो रहे हैं
और वेरी नियर फ्यूचर यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उसमें हमारा ये रिन्यूएबल एनर्जी चलनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि भी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है एंड आई थिंक होपफुली वी विल बी एबल टू मिटिगेट द चैलेंजेस। जी तो गवर्नमेंट के ऊपर ही हमारे वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहूंगा। सोलर की जब हम बात करते हैं तो व्हेन वी मेक दीस पैनल्स, सोलर पैनल्स, तो मैंने काफी सारी रिसर्चेस पढ़ी हैं कि जितना एक सोलर लाइफ टाइम में अपने आप के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है सूरज को इस्तेमाल करके, जो कि इनफाइनाइट रिसोर्स है, उससे ज्यादा कॉस्टिंग उसको बनाने में आती है। इज इट ट्रू? देखिए, ये आज से 3 साल पहले ट्रू था, इस वक्त नहीं है। इस वक्त इतने रिसर्चेस हो रहे हैं सोलर पैनल की कॉस्ट, और मुझे मेरी मेमोरी सही है तो बिफोर कोविड अगर 2018-19 की हम बात करें तो उस टाइम एक सोलर पैनल का जो कॉस्ट होता था वो करीबन आता था 45-50 रुपीस पर वॉट। अगर 300 वॉट का पैनल है तो 50 × 300 15,000 रुपये का पैनल पड़ता था। आज वही पैनल 22 से 25 रुपये में मिल रहा है पर वॉट, तो 50% कॉस्ट आपकी पैनल्स की पड़ गई। उसी तरह से क्योंकि आप द स्केल ऑफ इकोनॉमीज हैव इंक्रीज्ड, एवरीवन इज गोइंग फॉर सोलर, सो वंस द स्केल ऑफ इकोनॉमीज, तो जो प्लांट बन, जो प्रोडक्ट हो रहा है उसमें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है। देखिए आज व्हाई इज चाइना गोइंग एज केबल प्रोडक्शन में, हम कहते हैं कि चाइना की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, रीजन क्या है? उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, उनके पास पूरे वर्ल्ड से ऑर्डर आते हैं, तो उनकी फैक्ट्रीज में दे आर वर्किंग और मिनिमम प्रॉफिट्स और बहुत बना रहे। सेम इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर हम यहाँ पर ले आए तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्टिंग कम आएगी। तो सोलर में जितने भी इसी इक्विपमेंट्स हैं वी हैव ड्रास्टिकली कम डाउन। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टाइम था कि सोलर की जो कॉस्ट आती थी 16-17 में वो 16 रुपये पर किलोवाट आती थी, और आज वही चीज़ 2.5 रुपये पर किलोवाट में ऑक्शन हो रही है। सो इतना वास्ट सोलर में हमें प्राइस एडवांटेज मिला है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी स्टेटमेंट अगर आप पास्ट में जाके देखेंगे तो सच है, लेकिन आज की रेट में सच नहीं है। अब काफी फर्क पड़ गया है एंड आई थिंक आने वाले दिनों में सोलर के साथ साथ विंड पावर भी साथ में कॉम्प्लीमेंट करेगी, तो मुझे लगता है कि हमें और बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जी, अब अपने अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आपने सरकार की बात छेड़ दी अभी यहाँ पे, तो सरकार की अगर बात करेंगे तो सरकार की जो पॉलिसीज है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं अगर आप बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अडेप्शन में। अगर आप आम जन की बात करें तो सरकारी जो पॉलिसीज हैं वो अगर आप कुछ रेफरेंसेस के जरिए बता पाए। नहीं, बिल्कुल, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और देखिए क्या होता है कि कम्युनिटी अपना रोल कर रही है, लेकिन जब आप एक लार्ज लेवल पे चेंज चाहते हैं तो ऑब्वियसली एक पुश फ्रॉम द गवर्नमेंट, द पॉलिसीज फ्रॉम द गवर्नमेंट हैव टू प्ले अ रोल। एक उनका अपना एक रोल है और उसको एक सिंक्रोनाइज करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। वी आर फॉर्चुनेट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द डे इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू गो अहेड विद रिन्यूएबल एनर्जी। और ये हम इंडिया के एक 4 कमिटमेंट्स हैं कि 2030 तक हमारा नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी है वो कम से कम हम 50% अपनी पूरी सोर्स को बना लेंगे, और वो करीबन 50 गीगाबाइट है। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो आज इंडिया की है वो 100 गीगाबाइट्स की है, और उसमें से इंडिया का ये कमिटमेंट है कि 2030 तक हम 50% उस पूरी रिक्वायरमेंट को हम रिन्यूएबल एनर्जी से बनाएंगे। इट्स अ वेरी बिग कमिटमेंट एंड आई थिंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब ये घोषणा की है तो उसके पीछे द वर्क इज बीइंग डन इन अ वॉर फुटिंग, और मुझे लगता है कि 2030 से पहले ही हम इसको अचीव कर पाएंगे। एक तो ये गोल लिया है, और 2030 से पहले ये गोल हुआ है कि हमारी जो कार्बन एमिशंस है दे हैव टू रिड्यूस बाय 45%। जो हम कार्बन एमिट कर रहे हैं वो करीबन 45% हम रिड्यूस कर देंगे। तो ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। अब इसके पीछे क्या क्या पॉलिसीज बनाई है? पहली पॉलिसी ये बनाई है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट है जी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, जिसमें इक्विपमेंट्स हैं, सोलर पावर पार्क्स बनेंगे, पैनल्स बनेंगे, उसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डाल दिया। सो
एनी फॉरेन कंपनी कैन कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया ऑन ऑटोमेटिक रूट और सीधा वो इस पर्पस के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि एक ISTS सिस्टम होता है, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सर्विस। ओके, क्या होता है कि जब आप सपोज हम हरियाणा में हैं और हमने यहाँ पर बिजली जनरेट की जी, और वो बिजली हमें तमिलनाडु भेजनी है, तो जिस स्टेट से जाएगी उसके चार्जेस लगते हैं। एवरी स्टेट विल चार्ज एंड सेंटर विल चार्ज द चार्जेस ऑफ ट्रांसमिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन अ ब्लैंकेट वेवर 2025 तक के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आप कहीं की एनर्जी कहीं भी ले जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी, बहुत बड़ी पॉलिसी अप्रूव हुई है। तीसरी एक पावर पॉलिसी, आपने देखा होगा कि घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगना शुरू हुआ है, बिल्कुल। उसका फेज टू स्टार्ट कर दिया है। फेज टू में ये है कि उसको और अच्छे तरीके से सब्सिडीज दे के नेट मीटरिंग के साथ जो इंडिविजुअल डिस्कॉम्स हैं उनके साथ उसको एनेबल किया गया है, ताकि जो एक आदमी एक अपार्टमेंट है या घर है वो अपनी छत को अपने छत के ऊपर जो सन है उसको यूज करके अपनी जनरेशन खुद करे, और अगर उसकी जनरेशन ज्यादा हो जाती है तो वो दोबारा सरकार को वो बिजली बेच दे एट द सेम कॉस्ट। तो जब वो बेचेगा तो उसका ऑब्वियसली बिल माइनस में आ जाएगा। सो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि ये रूफटॉप को 0.2 में लेके जा रही है। उसके बाद एक बहुत बड़े एनर्जी पार्क्स बना रहे हैं जो कि अगेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं। इतने बड़े पार्क्स हैं कि वो पूरे के पूरे एक पावर प्लांट की तरह काम करेंगे और वो एनर्जी जनरेट करेंगे। उसमें विंड पावर भी आएगा, सोलर भी आएगा, दोनों आएंगे। उसके बाद नई ट्रांसमिशन लाइंस डल रही हैं, पूरा पॉलिसीज बन गई हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ द बजट आउटले हैज बीन लेड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो MNRE का मिनिस्ट्री है, उनको स्पेशली दिया गया है। बहुत प्लान आउटले दिया गया है नई ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाने का। तो जो हम अभी बात कर रहे थे चैलेंजेस क्या है, कि हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन्स बहुत कम है जी, और उसको एड्रेस करने के लिए जैसे मैंने बताया कि सॉल्यूशन ये है, तो सॉल्यूशन में गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन बिकॉज दे हैव एंटिसिपेटेड दिस प्रॉब्लम। अब जब इतनी आपने ट्रांसमिशन लाइन कर ली, इतना सब कर लिया, लेकिन आपके पास मैन पावर होना चाहिए उस चीज़ को चलाने का, रिन्यूएबल एनर्जी बनाता है उसको चलाने का आदमी चाहिए, तो उसको चलाने के लिए स्किल्ड प्रोग्राम्स वो स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ताकि हमारे टेक्नीशियंस हमारे इंजीनियर्स उस रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को चलाने लायक हो, हमारे पास इतना वर्क फोर्स हो। एंड टुडे वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी यंग फोर्स। जो इंडिया का डेमोग्राफिक आप देखें तो वी हैव अ लार्जेस्ट यंग इंडियंस, यंग मैन पावर है जो मेरे ख्याल वर्ल्ड में किसी के पास इतना पावर, यंग मैन पावर नहीं है। तो अगर हम उसको चैनलाइज कर लेते हैं इतने बड़े प्लान में, तो आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट जो एक वर्ड है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने एक एम्प्लॉयबिलिटी जनरेशन कर दिया। उसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो 15 अगस्त 2021 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिपेंडेंस डे प्लेटफॉर्म से बोली थी, दे आर गोइंग फॉर अ हाइड्रोजन मिशन, क्लीन हाइड्रोजन मिशन। नाउ हाइड्रोजन इज सच अ फ्यूल कि उसकी एक तो एमिशन नील के बराबर है, जब वो बर्न होता है अपने हाइड्रोजन व्हीकल्स के काम शुरू हो गया है, हम जब पेट्रोल डालते हैं डीजल डालते हैं तो कितनी एमिशन होती है जिसके ऊपर हम पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, धुआं निकल रहा है। हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जब बर्न होता है तो खाली पानी देता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर खाली पानी निकलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, H2O बनाएगा, पानी निकालेगा। सो यू विल गेट दैट, इट्स अ वेरी क्लीन फ्यूल। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन बनता भी पानी से ही है, पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और उसमें से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। अब अगर आप उस हाइड्रोजन को डेवलप करने के लिए नॉर्मल कन्वेंशनल एनर्जी लगाएंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। तो इसलिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग फॉर अ क्लीन हाइड्रोजन, विच मीन्स दैट दे विल यूज रिन्यूएबल एनर्जी टू ब्रेक वाटर एंड गेट हाइड्रोजन। और ये एम्बिशियस प्लान है, एंड मेरे हिसाब से इंडिया इज वन कंट्री विच इज गोइंग वेरी रिगरसली ऑन हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन फ्यूल जो है सबसे बड़ा है, और इसके अलावा ये जब हमने जब सारी फ्यूल की बात की तो विंड एनर्जी के ऊपर बहुत काम हो रहा है। इस वक्त हमारे पास विंड पावर को हमने हार्नेस नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर सर्टेन स्टेट्स। हमारे पास विंड पावर बहुत है
और उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल पॉलिसीज की हैं, उन्होंने इंपोर्ट वेवर्स किए हैं ताकि हम विंड पावर के जो विंड मिल्स हैं उनके ब्लेड्स हैं उनके रोटर्स हैं उनके उनके पूरा सेटअप है वो इंपोर्ट करने में भी अगर किसी को करना है तो एट अ मिनिमम कॉस्ट वो इंपोर्ट होगा। सो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत एफर्ट कर रही है और ये आने वाले 4-5 साल जो 2030 का टारगेट है आई थिंक वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन एज फॉर रिन्यूएबल एनर्जीज कंसर्न। डेफिनेटली, तो सरकार की पॉलिसी जिस तरीके की आपने बताई अगर वो इसी तरीके से चल रही है तो बहुत जल्दी हमें शायद ये सब चीजें बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिले और शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यही वजह है जिसके बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो आए हैं मार्केट में। जी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में स्टार्टअप्स की वेव है पूरी। तो एक इंसान आता है कि मैं ये सॉल्यूशन लेकर आया, वहीं पर दूसरा आता है रुको मैं इससे भी कम कीमत पर इससे भी बेटर आउटकम निकाल के आपको दे सकता हूँ। एंड सर ने कहा कि हमारे पास जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो यंग है, दैट मींस कि वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, जरूरत है तो उसको एक सही दिशा में लेकर जाने की और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके एक सस्टेनेबल फ्यूचर यहाँ पर बनाने की। जी तो सर अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के बारे में। तो व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम्स एंड ये किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले हमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। जी व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? यूएन चार्टर कहता है सस्टेनेबिलिटी मींस मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर। आप आज जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको जनरेट करें लेकिन आप फ्यूचर अपने बच्चों का खराब ना करें। As you said, कि अर्थ को as it is छोड़ दें। Yes, जिस शेप में मिला है। तो that is what is sustainability। और जब हम नेचर को और डेवलपमेंट को इकट्ठा करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपने बात की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम की। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम से पहले वट इज ग्रीन बिल्डिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। रेटिंग तो एक चीज हो गई, ग्रीन बिल्डिंग होती क्या है? देखिए ग्रीन बिल्डिंग कोई हरी बिल्डिंग नहीं है। ग्रीन बिल्डिंग ऐसी है कोई ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा घर, ऐसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा कॉलेज, ऐसा हॉस्पिटल, कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या कमर्शियल बिल्डिंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो। जैसे उसके अंदर वाटर कंजर्वेशन हो, उसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन हो, उसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट हो, उसके रीयूज ऑफ रिसोर्सेज हो, उसकी कंस्ट्रक्शन में मटेरियल ऐसे यूज किए हो जो कि उसके खत्म होने के बाद भी वो दोबारा काम में आ जाए, उस बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग। और साथ साथ जो उसके ऑक्यूपेंट्स हैं, जो उस बिल्डिंग में रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके कंफर्ट का भी ध्यान दिया जाए। ये नहीं कि आपने बिल्डिंग में सारी चीजें माइनस कर दी और रहने लायक नहीं है, गर्मी है तो गर्मी में आप बैठ नहीं पा रहे। तो आपको एक उस सिस्टम बनाना पड़ेगा। सो ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम इज दैट, वो ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर ये सारे बेनिफिट्स मिले। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम जो है ये एक ऐसा टूल है, इट्स इंटीग्रेटेड टूल जो असेस करता है किसी बिल्डिंग को क्या वो ग्रीन बिल्डिंग के मापदंड पे खरी उतर रही है, क्या वो बिल्डिंग एनर्जी सेव कर रही है, क्या वो बिल्डिंग वाटर कंजर्व कर रही है, क्या उसमें वाटर रीयूज हो रहा है, क्या उसमें वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, क्या उसमें एडिक्वेट लाइटिंग है, क्या उसमें एडिक्वेट आप समझे एयर क्वालिटी है कि इक्विपमेंट रह पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को उस मापदंड को चेक करने के लिए एक रेटिंग सिस्टम होता है जिसको ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग कहते हैं। तो ग्रीन बिल्डिंग बेसिकली तो ये रेटिंग इन सब को देखेगी, साथ में ये देखेगी कि आपने बिल्डिंग तो बना ली लेकिन उससे आपने आसपास के नेचुरल हैबिटेट को भी क्या आपने उसको संजो के रखा है या उसको उजाड़ दिया। तो ये सब चीजें जो है ये बेसिकली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग करती है। जी अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगर सस्टेनेबल फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब से कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए, लाइक कितना आप स्कोप देख पाते हैं और किस लेवल पे ये ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम कंट्रीब्यूट कर पाएगा फ्यूचर को और सस्टेनेबल बनाने में? देखिए जब हम ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक तरह का मार्किंग सिस्टम बन गया। मार्किंग सिस्टम है। अब आप कोई बच्चा पढ़ता है और पढ़ के उसने पूरी साल पढ़ाई की और उसके एग्जाम हुआ। ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम इज लाइक एन एग्जाम ऑफ दैट बिल्डिंग,
कि आपने वो बिल्डिंग बना तो ली और आपने बोला साहब मैं तो कंजर्व कर रहा हूँ एटमॉस्फेयर को या अपने जो वातावरण है और मैंने जो अपना बायोडाइवर्सिटी है उसको कर, तो रेटिंग सिस्टम चेक करेगी कि क्या आपने वाकई किया है। और जब हम इसकी बात करते हैं यूजेज में, तो ऑब्वियसली क्योंकि इसका बहुत एक बड़ा फ्यूचर, इट्स अ वेरी बिग फ्यूचर। रीजन इज दैट जब हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये जितनी भी ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग है, ये रेटिंग आपको हेल्प करेगी उस पैरामीटर्स को अचीव करने में। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। और फिर जब आप जॉब्स की बात करते हैं, तो वही जो आज के स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे इवन मतलब कि जिस इंस्टीट्यूशन में हम बैठे हैं मानव रचना में, यू गॉट ए ह्यूज मैन पावर जो आपके यहाँ से स्टूडेंट्स निकलते हैं, दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर इफ दे गो इन टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग। क्योंकि आज वो ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट आज जो आ रहा है, वो अगले 4-5 साल में आप देखिएगा हर बिल्डिंग ऑडिट में एक मैंडेटरी हो जाएगा। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि एग्जाम की तरह हम इसको देख सकते हैं। लाइक जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो उसके पहले हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, चाहे बाय हुक और बाय क्रूक। अल्टीमेटली हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। सो ग्रीन बिल्डिंग जो रेटिंग क्राइटेरियाज है, अब हम थोड़ा सा उनको समझना चाहेंगे। लाइक एक बिल्डिंग कैसे क्वालिफाई कर सकती है ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग में आने के लिए, एंड थोड़ा सा सर्टिफिकेशन प्रोसेस और जो जो क्राइटेरियाज है आप एक्सप्लेन अगर कर पाए प्लीज। जी जी, देखिए ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग में जब हम बात करें, तो ऑल ओवर वर्ल्ड एवरी कंट्री हैज इट्स ओन रेटिंग सिस्टम। जैसे यूके और ईयू में एक ब्रीम करके आता है, BREEM, ओके, ब्रीम है। और एक यूएस में है लीड करके रेटिंग सिस्टम है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है ग्रीन स्टार, साउथ कोरिया में GBCS, जापान में है कैस्पी। ये रेटिंग सिस्टम्स हैं। इंडिया में 4 रेटिंग सिस्टम्स आए हैं। सबसे पहला आया था लीड 1998 में। ओके, लीड इज बेसिकली जो है वो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का एक सिस्टम है। हाँ, एक सिस्टम है, वो लोग असेसमेंट करते हैं कि भी इसकी लाइफ टाइम में इसकी क्या, इसकी एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर लीड के ऊपर रेटिंग देते हैं। ये रेटिंग जैसे किसी बिल्डिंग को सिल्वर रेटिंग, गोल्ड, प्लैटिनम, डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर्स यू अचीव। उसके बाद IGBC जो है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये तो यूएस की थी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल डेवलप हो गई 2001 में और उन्होंने IGBC करके बनाया। फिर 2007 में टेरी जो द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बनाया गृहा, ओके, GREHA। सो गृहा जो है वो भी इंटीग्रेटेड हैबिटेट के ऊपर काम करता है। और अब एक लेटेस्ट आया है 2018 में जेम, एसोचैम वालों। ये सारे रेटिंग है। अब ये रेटिंग सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन था, इसमें ये होता है कि जैसे सपोज कोई भी बिल्डिंग है वो अपने को ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग करना चाहती है, तो एक प्री सर्टिफिकेशन होता है, okay, जिसमें वो एप्लीकेशन भरेंगे किसी भी एजेंसी में, जिस जो चारों बनाई बोली है मैंने, चारों में किसी में अप्लाई करेंगे, एक नॉमिनल की फीस होती है। और उसके बाद इस रेटिंग एजेंसी की टीम और प्रोजेक्ट टीम, जो प्रोजेक्ट की टीम है, वो लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या पैरामीटर हमने अचीव करना है। सपोज कोई बोलता है जी कि मेरे को प्लैटिनम रेटिंग चाहिए, तो प्लैटिनम रेटिंग में इट्स समथिंग लाइक 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में 90 नंबर से ऊपर आया तो प्लैटिनम, ओके, 70 से 80 आया तो आपको डायमंड। तो ऐसे ऐसे रेटिंग होते हैं, ओके। और उसी तरह जैसे गृहा है तो वो एक रेटिंग देगा, जेम है तो वो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, हर एक ने अपनी अपनी रेटिंग सिस्टम बनाया ऑन द मार्क्स। एंड दिस मार्क्स बेसिकली कैसे आते हैं मार्क्स, उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हैं। पैरामीटर्स क्या बने हैं कि जैसे आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, तो आपने उस प्रोजेक्ट के लिए, सपोज मैं एक बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, सपोज एक स्कूल बना रहा हूँ या हॉस्पिटल बना रहा हूँ, तो अब आपने पहले तो उसमें जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी थी, उससे पहले आपका उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कैसा है, ओके, उस आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में क्या आपने विंड और सोलर की मूवमेंट ध्यान में रखी है कि हवा कहाँ से आएगी बिल्डिंग में, कैसे जाएगी, ओके, आपने ओपन स्पेसेस छोड़े हैं। फिर कंस्ट्रक्शन के दौरान जब आपने कंस्ट्रक्शन शुरू की, तो फर्टाइल मिट्टी को क्या किया, क्योंकि जो मिट्टी आप यूज़ कर रहे हैं टॉप सॉइल जो है
200 mm की 8 इंच 10 इंच की जो सॉइल है वो सबसे फर्टाइल है। हाँ। अगर आप उसको उठा के बाहर फेंक देंगे तो आपने बायोडाइवर्सिटी खराब कर दी। तो उसको कहाँ कंज्यूम करेंगे आप, कैसे कंज्यूम करेंगे? उसके बाद जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में डस्ट मिटिगेशन पैरामीटर्स आपने लिए कि आपकी धूल उड़ रही है, आपने उसके लिए क्या किया। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन हुई तो आपने किस टाइप के मटेरियल्स यूज किए, पेंट्स किस टाइप की यूज किए, वीओसी या नॉन वीओसी पेंट, जो वोलेटाइल कंटेंट, जो आपके लेड पेंट्स आजकल कह रहे हैं नहीं यूज करना चाहिए, जो हजार्डस वाले, इन सब के मार्क्स हैं। आपने एनर्जी कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, क्या आप सारी एनर्जी ग्रिड से ले रहे हैं या अपनी जनरेट कर रहे हैं, पानी आप म्यूनिसिपैलिटी से ले रहे हैं, क्या 100% आप पानी यूज कर रहे हैं या उस पानी को वेस्ट कर रहे हैं या उस पानी को रीयूज कर रहे हैं ताकि आपकी डिमांड 50% हो जाए। सो इस सब के पैरामीटर्स हैं, हर एक पैरामीटर के नंबर हैं और जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ते जाते हैं आपको रेटिंग मिल जाती है। तो प्रोसेस ये है कि आप अप्लाई करिए, टीम आके चेक करेगी, प्री सर्टिफिकेशन करेगी, उसके बाद टीम जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे फिर टीम आके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, एक एक्सटर्नल इवेल्युएटर आता है उस टीम से ही, एक्सटर्नल इवेल्युएटर जो उसका कोई रिलेशन नहीं है दोनों एजेंसी से, ही इज एक्सटर्नल एक्सपर्ट, ही विल गिव यू द सर्टिफिकेट। ओके, तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर फिर आपको रेटिंग मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमने इंडिया में उसको बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया है, लाइक यू वांट सिल्वर, यू वांट प्लैटिनम, तो कोई बात नहीं, आप पूरा ग्रीन नहीं जाओगे, थोड़ा ग्रीन चले जाओ, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आप भी थोड़ा पुश करिए। एंड आई बिलीव कि अगर कोई इंसान उस तरफ जाएगा तो प्लैटिनम के बारे में सोचेगा। मैं अब आपके थ्रू आपके लिस्टर्स को ये भी बोलूं कि आजकल बहुत एड्स आ रही हैं प्रॉपर्टी की। आप देखें कि हर बिल्डर कहता है मेरा फ्लोर ये है, पूरे पूरे फुल पेज एड्स आती हैं। आप ये देखिए कि कौन सी बिल्डिंग, वो जो रेटेड बिल्डिंग होगी वो जरूर लिखेगा ग्रिया सर्टिफाइड, आईजीबीसी सर्टिफाइड, लीड सर्टिफाइड। जब वो बिल्डिंग अगर वो सर्टिफाइड है, दैट अगर आप वहाँ परचेज करते हैं तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरनमेंट, मेरा तो ये कहना। डेफिनेटली और बहुत प्यारा सिस्टम है, लाइक एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, सो इट्स अ ग्रेट थिंग, ग्रेट थिंग। अब आपने जैसे बात करी कि जब आप उसका डिजाइन तैयार कर रहे हो, जब आप उसका एक मैप बना रहे हो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के पहले, तो एक चीज मुझे स्ट्राइक की, हमारे जो पुराने घर हुआ करते थे या किले जो बना करते थे, जब उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, आई बिलीव हम उसी मॉडल पर वापस जा रहे हैं कि वहां पर भी उस तरीके से उसको बनाया जाता था कि अगर हवा आए तो इस तरीके से निकले कि आपके मकान को ठंडा रखे। बहुत 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 बेहतरीन पॉइंट आपने बोला है और मैं इस पॉइंट को, बहुत कम लोग इस पॉइंट को अप्रिशिएट करते हैं। वी शुड बी अप्रिशिएटिव ऑफ आवर कल्चर एंड आवर बिल्डिंग मेथड, जो हम लोग इतने सालों से हमारे पुरखों ने किया है। हम लोग अनजाने में वेस्टर्न कल्चर के पीछे चले गए। आज आप देखें कितनी बिल्डिंग ग्लास की बन रही है, ग्लास फसाड, एल्युमिनियम फसाड, सबसे ज्यादा एनर्जी लेने वाला प्रोडक्ट जो है वो एल्युमिनियम है, और लेकिन एल्युमिनियम फसाड्स बन रहे हैं, ग्लास फसाड्स बन रहे हैं। ऑन द कंट्री, जैसे आपने बोला, हमारे इतने बड़े बड़े, आप आमेर का किला ले लें, खेतरी महल, हवा महल, मतलब वो उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। अब आमेर का किला, उसमें दीवाने आम और दीवाने खास दो जगह है। दीवाने खास में जहां पर राजा और वो बैठते थे, और दीवाने आम है जहां पर नॉर्मल पब्लिक के लिए दरबार लगता, सभा लगती थी। और इस वक्त भी मुझे याद है, मैं लास्ट ईयर जून में, अब तो बरसातें शुरू होंगी, पिछले साल जून में इट वॉज वेरी हाई टेम्परेचर, और करीबन 12-13 जून था उस टाइम, एंड हमारा प्रोग्राम बना कि हम हिल स्टेशन जाएंगे गर्मी में। तो बट हिल स्टेशन वो ऑल चॉक ब्लॉक, जैसे आज भी हाल है मनाली या शिमला, ऑल बिकॉज एवरीवन इज गोइंग टू, तो वी थॉट लेट्स गो टू जयपुर, एंड इट वाज अ वेरी इडियट डिसीजन आप कहें कि भी गर्मी में कौन जयपुर जाएगा, लेकिन वी एंजॉयड। और मैं जब दोपहर को हम लोग फैमिली के साथ आमेर का किला देखने गए, जब आप दीवाने आम दीवाने खास में खड़े थे, आपको एक ठंडी ब्रीज आ रही थी, आपको महसूस ही नहीं हो रहा था कि आप गर्मी के मौसम में पकड़े। सच अ लवली ब्रीज वाज कमिंग। दीवाने आम में स्पेशली एक वाटर चैनल बना हुआ है, और वाटर जब वहाँ से पानी चलता है और हवा होती है तो आपको एयर कंडीशन माहौल का मिलता है। उसी तरह अगर आप खेतरी महल जो है
वहां जाए तो उसके बड़े बड़े आर्चवेज बने हुए हैं और वो हवा ऐसे चलती है, इट्स कॉल्ड अ विंड पैलेस। उसी तरह हवा महल आप देखें जयपुर का, छोटे छोटे झरोखे हैं उसमें से इतनी अच्छी हवा आ जाती है। सो दिस इज ऑल अवर ट्रेजर। तो आज हमें बिल्डिंग डिजाइन करने में मेरे ख्याल हमारे जो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं जो डिजाइन को समझते हैं वो लोग अपने रूट्स को समझें और रूट्स को करें। क्यों, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे वेदों में भी लिखा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी, कि ये भूमि जो है मेरी माता है और मैं इसका बेटा हूँ। तो जब हमारे वेद इतना अपनी धरती को पकड़ते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आई थिंक हमें वी शुड वैल्यू दैट। एंड एज एन इंडियन मैं ये बात बोल सकता हूँ कि अब दुनिया भर के लोग उस एक मॉडल की तरफ जा रहे हैं। सो एज एन इंडियन हमें ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी, बस हमें अपने रूट्स तक जाना है, वापस से चीजों को अंडू करना है और जाके देखना है कि पुराने टाइम में किस तरह की चीजें हम लोग बनाया करते थे, तो उसी मॉडल में वापस आएंगे। खैर सर, अब बात करेंगे हम कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज की, अगर आप प्लीज कुछ शेयर कर पाए ग्रीन बिल्डिंग के कुछ सक्सेस प्रोजेक्ट्स, इन्होंने कुछ अचीव किया हो, लाइक हाई ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग जिन्होंने अचीव की हो और उनका इम्पैक्ट क्या रहा। जी, ऑफ हैंड मुझे दो तीन बिल्डिंग्स ऐसी ध्यान आ रही हैं। एक तो है इंदिरा पर्यावरण भवन, ओके, ये जोरबाग में है, ये पहली बिल्डिंग बनी थी और ये प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो उन्होंने अपना नया ऑफिस बिल्डिंग बनाया था और इसका बेसिक कंसेप्ट ये था कि नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग बनेगी। नेट जीरो एनर्जी का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेंगे उतनी ही वापस देंगे। इन टोटलिटी ये टोटल इनकी एनर्जी कंजम्पशन जीरो रहेगी। इसमें क्या था, इनका जो फसाड है, जो फ्रंट है, उसमें 70% नेचुरल लाइट आ रही। उसके बाद आपने देखा होगा हमारे जितने पुराने मकान होते हैं बीच में आंगन होता था, कोर्ट यार्ड, हाँ। जो खत्म हो गया, हाँ। इसमें कोर्टयार्ड दिया हुआ है, कोर्टयार्ड से आपको नेचुरल लाइटिंग मिलती है और एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है एंड मूवमेंट ऑफ एयर मिलता है। सो इस बिल्डिंग में उसका यूज हुआ और 800 किलोवाट कैपेसिटी का एक पूरा सोलर पावर प्लांट लगा जो कि पूरी बिल्डिंग का एक मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है। बाहर अगर देखें इस बिल्डिंग के तो 50% जो इसने नॉन जो कवर किए नहीं किया ओपन एरिया, वो बहुत अच्छे श्रब्स और जो लोकल स्पीशीज के प्लांट्स हैं, क्योंकि अब ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग में जो हम बात करते हैं तो उसमें ये बोलते हैं कि आप जो भी प्लांट्स लगाएं अपने घर पे वो लोकल स्पीशीज लगाएं, इम्पोर्टेड प्लांट नहीं लगाएं क्योंकि उसका कॉस्ट है। ग्रास कम लगाएं, घास सबसे ज़्यादा पानी लेती है, तो अगर छोटे छोटे श्रब्स लगाएंगे आप तो उससे आपको ग्रीन कवर मिलेगा और उनको कम पानी में ही वो ग्रो करेंगे। सो इवेंचुअली ये पैरामीटर वहाँ पर यूज़ हुआ है जो कि बहुत ही एक इट हैज़ गिवन अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट टू दैट बिल्डिंग। और एक उन्होंने जितना भी अपना पानी वेस्ट वाटर था जो बाथरूम से टॉयलेट से आता था, उसको इन्होंने रीयूज करना शुरू किया फॉर गार्डनिंग में, तो उसमें यूज किया। इन्होंने सिस्टम्स लगाए, ड्यूल फ्लशिंग आज हमारे घरों में आए हैं जिसमें दो बटन होते हैं, एक छोटा बटन होता है एक बड़ा बटन होता है, ओके। तो उसमें क्या होता है कि छोटा बटन है कि आपको थोड़ा पानी निकलेगा सो दैट यू कैन क्लीन दैट, और बड़ा होता है जब आपको ज्यादा पानी चाहिए, सो यू कैन सेव दैट वाटर ऑल्सो। सो दे वर दैट वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन विच ड्यूअल फ्लशिंग सिस्टम वॉज यूज एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इट इज इमेकुलेट। सो ये एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है हरेडा का, हरियाणा एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी का, पंचकुला में, ओके, इट इज ऑल्सो अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। उसमें भी नेचुरल लाइटिंग इतनी है, आप चले जाएं आपको नॉर्मली आपको लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरी बिल्डिंग में, और उसकी भी रिन्यूअल पावर पूरा लगा है एंड इट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोजेक्ट। और एक प्रोजेक्ट और मुझे याद आ रहा है, CSC का है, इसका कानपुर में, IIT कानपुर में, सेंटर फॉर एनवायरमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग IIT कानपुर में, वो भी एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि उन्होंने जो जमीन का कंटूर था, जो मूवमेंट थी, उसको एज इट इज रखा। इसका मतलब ये है कि जैसे पानी जहां जैसे बहता था बरसात का पानी और जिस जगह जाता था उसी तरह जा रहा है। आपने कहीं भी, अब यहाँ पर आप देखें, हमने नाली, अपने नाले, अपने तालाब सब बंद कर दिए हैं सबको, हाँ। रीजन क्या है, हमने उनको नेचुरल, इसीलिए पानी फ्लड हो जाता है,
अगर आप नेचुरल पेस पानी के जो जाता था उसको जाने देते तो वो प्रॉब्लम नहीं आते। सो दीस बिल्डिंग्स हैव टेकन केयर ऑफ इट। आज ही फरीदाबाद में देखने को मिला कि रोड पर पानी भरा हुआ था और ट्रैक्टर्स वहां पे लगे हुए थे उसको खाली करने। तो बरसात बाद में होती है, पहले ट्रैक्टर पहुंच जाते हैं कि भाई इसको खाली कैसे करेंगे। जी कहीं ना कहीं उसकी वजह शायद कॉन्क्रीट है सर, कि हमने भू को पूरा का पूरा चारकोल से पाट दिया है, जिसके बाद वो उतने एब्जॉर्प्शन जो पावर थी वाटर की वो कम हो गई है। हाँ देखिए वो एक मेजर रीजन है, लेकिन उसमें मैं उसको भी नहीं मानता हूँ कंक्रीट का। लेकिन कंक्रीट की रोड्स जो है वो हमें जरूरी है, लेकिन हमने कमी कहाँ छोड़ दी, हमने उस वाटर को चैनलाइज नहीं किया। ड्रेनेज सिस्टम बनाया होता और उस पानी को चैनलाइज करके हम अर्थ के अंदर ले जाए तो हमारा इतनी बरसात आप देखें अब शुरू हो गई है, एंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव सो मेनी रेन्स, और ये सारा पानी वेस्ट हो रहा है। अगर यही हमारी धरती को मिल जाए तो हमारा वाटर टेबल अपने आप बढ़ेगा। सो दीज स्मॉल थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई रिक्वेस्ट ऑल माई लिसनर्स के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान दें, जो भी थोड़ा बहुत बन पड़ता है वो आप करें। जी उस तरफ हम लोग आएंगे और हमें आना ही पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। सर अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे हम किन किन वेज में हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस एंड जो ये टेक्नोलॉजीज है ये कंट्रीब्यूट करती हैं इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स। जी जब हम बात करते हैं ग्रीन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जी. और उसमें प्रोडक्ट्स यूज करने की, तो उसमें इफेक्टिवली दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये है कि जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं क्या वो रीयूजेबल है, उस बिल्डिंग की लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद क्या उसको दोबारा यूज हो सकता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इस केस में जो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग्स जो लगाती हैं वो पैरामीटर क्या लगाती हैं, जैसे आपने RCC की छत बनानी है और रेडी मिक्स कॉन्क्रीट आजकल आते हैं, आपको पता है जो बड़े बड़े ट्रक्स आते हैं रेडी मिक्स कॉन्क्रीट आते हैं, उसमें उन्होंने कह दिया कि मिनिमम 30% फ्लाई ऐश कंटेंट होना चाहिए। फ्लाई ऐश कंटेंट कहाँ से मिलेगा, जैसे हमारा NTPC का बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन है, इसमें इतना फ्लाई ऐश निकलता है और हवा में उड़ता है और आप देखें वो फ्लाई ऐश पड़ा रहता है, इट्स अ वेस्ट। उस प्रोडक्ट को आप सीमेंट के साथ मिलाएं, उसको पोजोलाना सीमेंट कहा जाता है, और उसको अगर आप कॉन्क्रीट में यूज़ करें तो एक तो फ्लेक्सीबिलिटी आती है, सीमेंट क्रैक नहीं करेगा कभी कॉन्क्रीट, तो वो कंपल्सरी कर दिया है ग्रीन बिल्डिंग में, तो 30% आप उसको मिलाएं। दूसरा ये है कि जब आप नॉर्मल ब्रिक्स यूज करते हैं आप नॉर्मल ब्रिक्स मत यूज करें। नॉर्मल ब्रिक्स इतनी एनर्जी, आप ईंट के भट्टे देखिए कितनी एनर्जी यूज करता है वो एक ईंट बनाने में, और इतना मैन पावर यूज होता है और इतनी हीट यूज होती है। उसकी जगह अगर आप कंप्रेस ब्लॉक्स यूज करें जो बना रही है, या कई कंपनीज आजकल ऑटोक्लेव ब्लॉक्स बना रहे हैं, जो आप ब्लॉक्स की बिल्डिंग्स आप देख रहे हो बने हुए ब्लॉक्स आते हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव आते हैं और वो सस्टेनेबल भी हैं, उनको ब्रेक होने के बाद भी रीयूज हो जाते हैं वो, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आप छत पे अगर आपने लगाना है तो हाई रिफ्लेक्टिव टाइल्स लगा लें, आजकल पेंट्स आए हैं जो कि रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो आपकी एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगी। जब एनर्जी कंजम्पशन कम होगी आपकी हीट, तो ऑब्वियसली आपका सस्टेनेबल फ्यूचर के ऊपर वो आएगा। सेकेंडली जैसे मैंने अभी बताया था एल्यूमिनियम, ट्राई टू अवॉइड एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। एक हम बात कहते हैं एम्बॉडीड एनर्जी, एक टेक्निकल टर्म है। एम्बॉडीड एनर्जी का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, उसकी लाइफ साइकिल है, पैदा हुआ और ख़त्म हुआ उसकी एक लाइफ साइकिल है। उसमें उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की पैदा होने में एक प्रोडक्ट में, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में, फिर उसका प्रोडक्ट बनाने में, फिर उसको ख़त्म करने में। एल्यूमिनियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन पे एनर्जी लगती है, फिर जब डिस्पोजल होता है तो उसको इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। सो वो एक तरह का एम्बॉडीड एनर्जी खत्म हो, डेफिनेटली। तो ये चीज़ है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे सर, थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स पे अगर आए एज अ कॉमन मैन, अगर मैं इस चीज को देखूं तो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर हम ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं तो कितना वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, या क्या कुछ उसकी कॉस्टिंग होती है, और क्या कोई तरीका है उसको हम कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें। डेफिनेटली देखिए आप रेटिंग नहीं भी लेते हैं और ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस लेते हैं तो आप ऑलरेडी कॉस्ट इफेक्टिव तरफ काम कर रहे हैं। वो कैसे,
एक तो पहले आपने एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान दे दिया, इसका मतलब आपने बिजली का बिल बचा लिया, वाटर यूज करना शुरू कर दिया तो आपने वाटर का बिल बचा दिया जो आपकी कॉस्ट है, उसके बाद आपने जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स में यूज किए आप उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए, लाइफ साइकिल कॉस्ट जब आपकी कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपका सबसे कम कॉस्ट आएगा। अब कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कैसे है, जैसे आप बार्स लेते हैं तो आजकल TMT सरिया आ गया, TMT इज थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड सरिया, उसके अंदर रिसाइकल कंटेंट होता है, जो हम लोहा वेस्ट करते हैं या जो कंपनी में जब सरिया बनता है तो वेस्ट हो जाता है उसको इन्वॉल्व करते हैं, 25% वेस्ट होता है वो रिसाइकल्ड और 75% वर्जिन होता है। सो TMT सरिया अगर आप यूज कर लेते हैं किसी भी कंपनी का, मैं नाम नहीं लूंगा, सो TMT इज अ बार विच इज अगेन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे, तो आप रिसाइकल भी यूज कर रहे हैं, सस्ता भी यूज कर रहे हैं और अच्छा भी यूज कर रहे हैं। उसके साथ आपने कॉन्क्रीट या ब्रिक्स या रिसाइकल्ड ब्लॉक्स आते हैं जी, आप उसको यूज करें। फिर उसके बाद लोकल सोर्सिंग का मटेरियल, जरूरी नहीं है कि आपने दूर से मटेरियल लेना है, आपके लोकल यहाँ पर मटेरियल मिल रहा है आप उसको लें। एनर्जी एफिशिएंसी के लिए अगर आपने काम करना है तो आप जैसे हम बात करते हैं सेंसर्स की, आपने हाथ लगाया पानी आया, हाथ हटाया पानी बंद, तो सेंसर है। या जैसे आपने स्ट्रीट लाइट्स लगाई, घर की बत्तियाँ लगाई, वो सेंसर है कि जैसे ही शाम आएगी बत्ती बंद, और दिन होगा तो बत्ती बंद। सो इन दैट केस यू आर सेविंग दैट। सो दीज आर वेरी स्मॉल टिप्स। आई थिंक घर का यूजर रेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इतने छोटे छोटे स्टेप्स भी लेगा तो यू विल अर्न मनी आउट। इसमें आपने मेरे दो क्वेश्चन एड्रेस कर दिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही आने वाला था कि एक इंडिविजुअल और एक या फिर मैं कहूँगी होम ओनर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को स्मॉलर स्केल पे। तो आई बिलीव मुझे दोनों के आंसर मिल गए हैं। अब सर किसी इमर्जिंग ट्रेंड की अगर आप बात करना चाहें या किसी टेक्नोलॉजी की बात करना चाहें जो लिसनर्स को पता होनी चाहिए, अगर आप बात करें रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन बिल्डिंग की। देखिए एनर्जी में मैंने आपको जैसे बताया बहुत प्रोग्रेस हो रही है, पर 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो अभी इतना मिनिस्क्यूल लेवल पे है, लेकिन उस पर रिसर्च इतना हो रहा है कि वो एक पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है। पहला एक है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स दैट सेल्फ फर्टिलाइज, उनको फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। ओके उसमें क्या है कि नॉर्मली क्या है, हम लोग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो होता है उसको पैदा करने के लिए बहुत एनर्जी यूज़ होती है और वो कॉस्टली भी है। तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सफ़ेद चना, काला चना, काबुली चना, राजमा, ये जब पैदा होते हैं इनको वो नहीं चाहिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। क्यों? क्योंकि इनकी रूट्स जो हैं खुद ज़मीन में से नाइट्रोजन लेती है बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को वो संभाल लेती हैं, वो बैक्टीरिया एटमोसफियर से नाइट्रोजन लेता है और उसका अमोनिया बना के उस प्लांट को ग्रो करता है। बट हमारी कई ऐसे है दाल, तिलहन, कॉर्न, उनको नहीं है, तो उसके लिए आपको फर्टिलाइजर चाहिए, तो वीट, राइस फर्टिलाइजर चाहिए। तो नाउ साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दो पैरामीटर्स कि किसी तरह हम इसके अंदर वो बैक्टीरिया आ जाए ताकि हमें फर्टिलाइजर की ज़रूरत ही ना पड़े। दैट इज़ वन टेक्नोलॉजी देयर वर्किंग। सेकेंड टेक्नोलॉजी ये है कि आपने देखा कि आज बहुत वायरलेस यूज़ हो रहा है, हर जगह 5G वायरलेस यूज़ हो रहा है। अब जहाँ हम इंटरनेट की पेनिट्रेशन कहते हैं या कहीं भी वायरलेस लगाना है, वाईफाई करना है गांव में, शहर में, हर जगह, तो आपको उसको सोर्स ऑफ पावर देना पड़ेगा। अब उसके लिए हर जगह तो आपको बत्ती देनी पड़ेगी, कहाँ से लाएंगे आप बत्ती? अब कहीं एक चौराहे पे कैमरा लगा रहे हैं आप, उसको वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे आपको तो वहाँ लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए सेल्फ जनरेटिंग मॉड्यूल बन रहा है कि वो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो 5G के आ रही हैं, उस 5G की वेव्स में से एनर्जी निकालो, उसको DC करंट बनाओ और कनेक्ट करो। सो दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ऑनेस्टली बताऊं, दिल से एक बात बोल रहा हूं, मैं मेरे पास सवालों का सिलसिला भी बहुत है, बहुत सारे क्वेश्चन इस एक टॉपिक के ऊपर आपसे छीन सकता हूँ यहाँ पे। पर चलिए इसी के साथ मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ, आपने इतना कीमती वक्त अपना हमें दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लिसनर्स इस टाइम हमें सुन रहे हैं आप तक ये वैल्यूज पहुंच पाई।
सो इंद्रदीप सिंह ओबेरॉय हमारे साथ जुड़े, मैनेजिंग डायरेक्टर है एडी ग्लोबल साइनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के एंड ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के। सर तहे दिल से आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सागर जी, और आई वुड रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स मेड बाय मानव रचना रेडियो, एंड मैं चाहूंगा कि आपकी मुहिम सक्सेस रहे। डेफिनेटली सर, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि देखिए बहुत लंबा सफर है, 150 घंटों तक हम आपसे बात कर रहे होंगे, आप तक पहुंचा रहे होंगे अलग अलग एक्सपर्ट्स के थॉट्स, उनके एक्सपीरियंस, उनकी लर्निंग्स, उनके टेक अवेज, तमाम चीजें, और मोटिव सिर्फ एक, सस्टेनेबिलिटी। तो इसी के साथ हम इंद्रदीप सर को अभी गुड बाय बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।